26 मई को गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। इससे पहले सचिन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और की उनसे अपनी फिल्म के बारे में बातचीत। खेल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उनसे मिलने पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अपनी जिंदगी पर बनी फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के बारे में जानकारी दी। सचिन तेंदुलकर की ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। सचिन ने प्रधानमंत्री आवास पर मोदी से मुलाकात की और ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की और फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के बारे में बताया। सचिन ने दूसरे ट्वीट में कहा, शुक्रिया प्रधानमंत्री जी आपके प्रेरणादायक मैसेज के लिए, जो खेले वही खिले, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इस मौके पर उनके साथ उनकी वाइफ अंजलि तेंदुलकर और मूवी के प्रोड्यूसर रवि भागचंदका भी थे। मोदी ने सचिन को टैग करते हुए ट्वीट किया, सचिन के साथ अच्छी मुलाकात हुई, उनकी जीवन यात्रा और अचीवमेंट पर हर भारतीय को फक्र है और वो 1 अरब 25 करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपको बता दें कि सचिन की फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम 26 मई को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।